सो यूएस के जी नवंबर की इंट्रस्ट रेट हाइक से 0.75% हुई जी कि 75 बेसिस पॉइंट है वो काफ़ी एनालिस्ट वालों तो सारे वालों ही एक्सपैक्ट की जा रही थी। तो वह जो मेन कारण देखिए आप पास्ट के जोड़ा इनफ्लेशन का ट्रेंड है जो स्टिल हायर है। सो हुण फ्यूचर दे विच की हो सकता मार्केट दे विच उहदे बारे आपां थोड़ी जी डिस्कशन कर सकते हैं इस वीडियो दे विच। बहुत सारे एनालिस्ट वालों ये आस लाई जाती है कि जिहड़ा फ्यूचर की इंट्रस्ट रेट हाइक आ वह हो सकता 0.5% ते आवे जाने कि दसंबर की या उस तो अगे जिहड़ियां इंट्रस्ट रेट हाइक आउणियां ने। पर जिहड़ी अज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच जदों क्वेश्चन आंसर होए तो फैड चेयर पॉल ने कहा कि वी आर नॉट देयर वेयर वी वॉन्ट टू बी। सो वह अजे ट्रेंड देख रहे हैं कि जिहड़ा इनफ्लेशन का ट्रेंड आपां वी देख सकते हैं कि वह थले नहीं आ रही, इस करके लगता कि होर इंट्रस्ट रेट वधाउणा अप्रोप्रिएट होगा इनस्टैड के दे आर टू लेट हो जाण। सो दिस ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ नैगेटिव प्रैशर ऑन द मार्केट कि जिहड़ियां ऑनगोइंग इंट्रस्ट रेट हाइक आ वो 0.75% के नाल ही चलदियां रहणगियां जो कि मार्केट के उपर बहुत नैगेटिव असर पाउणगियां। ये वाली जिहड़ी सारी सिचुएशन आ 1979-1980 दे विच होई सी जदों गवर्नमेंट ने एक साल दे विच 4% इंट्रस्ट इनक्रीज कर दिता सी। पर जे नैक्सट इंट्रस्ट रेट हाइक जी दसंबर के 0.75% आँदी है तो इस बार उस तो भी ज़्यादा इंट्रस्ट रेट इनक्रीज़ हो जाऊगा। तो जदों भी कोई इदा की चीज़ मार्केट के आँदी है जो कि लॉन्ग टाइम बाद आ रही है जे आप देखिए 40 साल के टाइम बाद तो इट इज़ ऑलवेज़ स्केरी क्योंकि जेडे ट्रेडर पिछले 30-40 साल तो ट्रेड कर रहे हैं हो सकता उन्होंने भी ये सिचुएशन ना देखी हो। बट हुण अपने लिए क्वेश्चन है ये एज ए डे ट्रेडर कि आपां नूं इहदे लई वरीड होना चाहिए या नहीं। सो ऑब्वियसली आपां नूं भी वरीड होना चाहिए क्योंकि अजिही मार्केट दे विच आपां प्रडिक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक किधर नूं जाऊगा। सो चाहे आपां डे ट्रेड करते हैं एवरी डे ट्रेड करते हैं पर इदां दी अनप्रडिक्टेबल मार्केट दे विच स्टॉक अद्धा दिन उपर होंदे अद्धा दिन थले होंदे आ। सो इस तो बाद नाल दी नाल जदों फैड चेयर नूं पुछया गया कि इनफ्लेशन थले आऊगी क्योंकि जिहड़े आपां देखिए एनर्जी ऑयल गैस के प्राइस आ या फूड के प्राइस आ वो सारे सप्लाई चेन करके ते नाल दी नाल जिहड़ी यूक्रेन ते रशिया की वार उहदे करके अपने तो उत्थे उहनां दा ये आंसर सी कि हाँ प्राइस राइट वे थले नहीं आऊगा पर जिहड़ी डिमांड आ उसके उपर असर पाऊगा। वो भी काफ़ी हद तक उहनां दी गल ठीक आ कि हाँ असर पाऊगा पर 100% नहीं पैणा क्योंकि जिहड़ियां डेली दियां आपणियां जरूरत वालियां चीज़ां वो तो आपां लैणियां ही ने। पर हाँ जदों इंट्रस्ट रेट वध जांदा किसी का मॉर्गेज का महीने का 500 हज़ार $1500 तो उदों ऑलवेज़ बंदा सोचता कि हाँ जिहड़े अपने खर्चे ने उन्होंने थोड़ा जिहा घट किया जाए। पर दूसरी साइड के नाल दी नाल फेस्टिवल सीजन भी आ रहा जे आप देखिए क्रिसमस उस करके हर एक चीज़ की डिमांड मार्केट के जरूर होगी। सो जिहड़ा असल आपां पता वह फैबररी मार्च के लग सकता कि मार्केट कि डायरेक्शन के जा रही है जां ते फुली रिसैशन दे विच जा सकती है जां उत्थे कुछ ना कुछ रिकवरी के चांस मिल सकते हैं। उहदा आपां नूं हिंट मिलेगा जे फैड उदों इंट्रस्ट रेट हाइक करना जिहड़ा आ उह 0.5 या 0.25% ते लै आउंदी है। तो नाल दी नाल हुण इस वीडियो दे विच आपां एंड ते चार्ट भी देखांगे कि आपां स्पाई नूं किद्दां ट्रेड करना की एक्सपैक्टेशन आ क्योंकि जदों भी न्यूज़ आउंदी है उदों आपां उस ईवेंट नूं देख के स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं पर जदों उह ईवेंट लंघ जांदा आ फिर जिहड़ी आपणे कोल इक ऑप्शन बचदी है कि आपां चार्ट नूं देख के ते किसी भी स्टॉक नूं ट्रेड करिए। सो हुण आपां ओवरऑल मार्केट दे विच देखदे हां कि दसदा या स्पाई आपां नूं S&P 500 कि मार्केट कित्थों क तक थले जा सकती है आने वाले दिनों दे विच ते कित्थों बाउंस बैक करन दे ज़्यादा चांस ने। सो जे आपां देखिए मार्केट पहले अप ट्रेंड दे विच सी इत्थों आह वाला जिहड़ा मैं ट्रेंड लाइन की ड्रा की है इत्थों बाउंस बैक किया काफ़ी बार पर अज उस नूं ब्रेक कर गया क्योंकि कल का भी काफ़ी प्रैशर सी डाउन प्रैशर सी मार्केट के उपर तो अज भी सेम ही सी। हुण राइट नाउ जिहड़ा आ S&P 500 $374 ते आ जदों मैं वीडियो बना रहा वां। हुण नैक्सट आपां देखदे हां कि इत्थों बाउंस बैक कर सकदा। सो $374 दे अराउंड भी इहदी इक काफ़ी वधिया सपोर्ट है पास्ट दे विच जे आपां देखिए तां इत्थों एक वारी बाउंस बैक कीता जदों काफ़ी डाउन आया सी सो उहदे अराउंड ही आ चांस ने कि जे मार्केट ओपन हुंदी है तां इत्थों भी बाउंस बैक कर सकदा पर जे इस नूं क्रैक कर जांदा इस सपोर्ट नूं तां फिर इहदे डाउन आउण दे चांस ने कि स्पाई जिहड़ा आ उह इत्थे आ सकदा आ अराउंड 371 दे अराउंड। सो 371-350 दे अराउंड आण के उत्थों बाउंस बैक करन दे चांस ने जे उस नूं भी क्रैक कर जांदा आ कि मार्केट दे विच जे आपां देखिए आने वाले दिनों दे विच आपां नूं सब तो पहलां देखण नूं मिलेगी इनफ्लेशन डाटा। सो जे इनफ्लेशन डाटा भी वर्स आउंदा आ तां फिर जिहड़ी आ स्टॉक मार्केट होर थले जा सकती है ते चांस ने कि स्टॉक मार्केट इस पॉइंट तक आ सकती है अराउंड
उस 366 तक भी जा सकता, यह भी एक काफ़ी वधिया सपोर्ट आ। सो देखते हैं कि आने वाले दिनों दे विच जिहड़ा स्पाई आ वो कि चार्ट नूं फॉलो करके ट्रेड करता, तो नाल दी नाल ही जे कोई ईवेंट आउंदा तां वह मार्केट के उपर किदां दा असर पाउंदा। जिहड़ा बिगेस्ट ईवेंट आ रहा हुण नवंबर दे विच वो इनफ्लेशन डाटा ही आ जो लास्ट मंथ अक्तूबर का आएगा, वह काफ़ी मार्केट नूं देख सकते हैं आपां कि किधर नूं लैके जांदा, क्योंकि जिद्दां अज जेरम पॉल ने कहा, मैं पहला भी वीडियो दे विच दस्या कि जे इनफ्लेशन डाटे का पैटर्न सानू कोई नहीं दिखाई दे रहा जिहड़ा दसे कि इनफ्लेशन डाउन जा रही है, तो असी इस तरीके इंट्रस्ट रेट हाइक करते रहेंगे। फ्यूचर दे विच कितें ना कितें जाके हाँ जिहड़ियां इंट्रस्ट रेट हाइक होणगियां वो घट होणगियां, कहण तो भाव कि 0.75% तो घटा के शायद 0.5% या 0.25% तक आ जाए। सो फार जिहड़ी इकोनमी आ ते जिहड़ा सारा कुछ इनफ्लेशन डाटा इंट्रस्ट रेट हाइक आपां नूं रिसेशन वल नूं लैके जा रही है, बट तुहानू की लगता कि जिहड़े तरीके नाल इनफ्लेशन वध रही है ते इंट्रस्ट रेट हाइक आ रही है कि नैक्सट ईयर दे विच रिसेशन आ सकता या नहीं, कमेंट दे विच जरूर दस्यो।